And welcome back to this YouTube channel that is SEBI Forensics. So friends, आज हम देखने वाले हैं external ballistics. इससे पहले हम इसके दो parts complete कर चुके थे, जहाँ पर हमने देखा था इसके जो basics होते हैं external ballistics के, and उसके अलावा वो कौन कौन से factors होते हैं जो कि external ballistics पर एक bullet पर अपना एक effect pause करते हैं. ठीक है, so ये basically external ballistics का third part है, जहाँ पर हम देखेंगे जो ट्रेजेक्ट्री होती है बुलेट की वो क्या होती है, उससे और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं तो उनके बारे में देखेंगे. उसके अलावा जो आपकी ट्रेजेक्ट्री का शेप होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स उस पर अपने इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को. हम सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होती है. सो when a projectile comes out of muzzle, it should go along the axis of barrel of firearm and travel equal distances in equal time interval. So, जब कभी भी एक projectile, एक जो firearm होता है उसके muzzle end से बाहर निकलता है तो वो जो बैरल की एक्सेस होती है उस एक्सेस पे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, एंड वो उतनी ही आपकी डिस्टेंस ट्रैवल करता है सेम टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. उसकी वजह से एक कर्व्ड पाथ ट्रैवल करती है एक बुलेट, तो वो जो कर्व्ड पाथ बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग अपॉन इट टू चेंज द कोर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर इस पूरे इसके डिस्टेंस में जितना ये ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पर अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या किसी भी तरह के जो आपके डिफ्लेक्शंस होते हैं किसी भी वजह से हो सकते हैं, तो वो अगर अपना इफेक्ट प्रोजेक्टाइल पर ना डालें तो उसकी वजह से जो एक स्मूथ आपकी प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री बनती है, वो आपकी नॉर्मल कंडीशंस में बनती है. लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रेजेक्ट्री पर, एक बुलेट पर अपना इफेक्ट डालते हैं. एंड इसमें जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं वो होते हैं आपका, पहला होता है एयर रेजिस्टेंस एंड सेकेंड होता है आपका ग्रेविटेशनल पुल. तो ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो जनरली लगते ही लगते हैं किसी भी एक प्रोजेक्टाइल पर. इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो दो हैं ये आपके मेजर फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो ये हो गया आपका ट्रेजेक्ट्री. एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपके सामने ग्राफ है, तो यहाँ से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. सो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक पॉइंट ए है, यहाँ से आपने अपनी फायरिंग करी है. फायरिंग करने टाइम पर आपका जो बैरल थी वो कुछ, आपकी जो बैरल की, आपकी जो फायरआर्म की एक्सेस थी वो कुछ इस तरह से थी. इस पोजीशन पर आपकी फायरआर्म की एक्सेस थी. ठीक है, इस तरह से आपने फायरिंग अपने पोजीशन पर अपने फायरआर्म को रखा हुआ था, और जो आपका टारगेट था वो ये आपकी टारगेट सर्फेस है, ये आपकी टारगेट सर्फेस थी. इस टारगेट को आप इस लाइन ऑफ साइट से देख रहे थे, मतलब इस पोजीशन से आप अपने टारगेट को देख रहे थे. ठीक है, एंड आपकी जो फायर आर्म थी वो कुछ इस पोजीशन पर थी. जब आप फायरिंग करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, जो आपकी बैरल होती है उस पे, जो आपका फायर आर्म होता है उस पे कुछ रिकॉइल लगता है, एंड बैरल ऊपर साइड में आपका मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो आपका एक लाइन ऑफ डिपार्चर हो जाता है, ये आपका लाइन ऑफ डिपार्चर हो जाता है, एंड जो आपकी बुलेट रहती है वो कुछ इस पोजीशन में पूरा का पूरा अपनी पाथ ट्रैवल करती है. ठीक है, सो ये जो आपका पोजीशन है, ये आपकी जो ट्रैवल है, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. ये हो गई आपकी ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी. इसके बाद में जब यहाँ पर ये जो सेकेंड पॉइंट जहाँ पर लास्ट में मीट करता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट बी. अभी यहाँ पर ये जो आपका टारगेट सरफेस थी, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा हुआ था टी, ये आपका टी पॉइंट था, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये क्यू है, यहाँ पर आपका आर है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है टारगेट सरफेस से. ठीक है, अभी ये जो आपकी टारगेट सरफेस है इस पर जब आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये है आपका परपेंडिकुलर जिसको हमने पी से डिनोट किया है, ये है आपका नॉर्मल टू सर्फेस, मतलब जो टारगेट सर्फेस है उस पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, ये हो गया. इसके अलावा ये जो आपका एस है, ये एस जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ये जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका पॉइंट ऑफ टारगेट था, यहाँ पर ये आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस डाली, ये और ये जो आपका नॉर्मल था इसके बीच में एक लाइन गई है, ये है आपका एस पॉइंट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी ये ग्राफ में हैं. अभी इसमें समझते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट, आपके जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से वो क्या क्या हैं. ठीक है, सो अगर अभी हम देखें ये लाइन ऑफ डिपार्चर है,
यहाँ से आपने फायरिंग स्टार्ट करी थी एंड यहाँ तक आपका पूरा गया है, ये एक पूरी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बनता है एक्स ए एंड बी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक्स ए एंड बी इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हो गया। अभी अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। सो यहाँ पर क्या था, ये आपका एक्स ए एंड बी, ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सेकेंड हम बात करें तो यहाँ से एक्स ए एंड टी, टी का मतलब लाइन ऑफ साइट की तरफ देखें, तो ये जो आपका एंगल बनता है एक्स ए टी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब इस एंगल में ही आपकी जो प्रोजेक्ट आया था वो प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी ये हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो ये है आपका एस टी एंड पी। एस टी पी क्या है, टी जो है आपका जो टारगेट सर्फेस थी वो टारगेट पॉइंट है, एंड एस टी एंड पी, पी जो था आपका नॉर्मल था। तो ये जो आपका यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो आपका एंगल एस टी पी है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी हम नेक्स्ट बात करें एस टी एंड क्यू की। तो यहाँ पर आपका टी पॉइंट है एंड जो एस टी एंड क्यू है, ये जो आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फॉल। मतलब कि जो आपकी बुलेट है वो आपके इस एंगल से नीचे के साइड में गिरेगी, अगर वो गिरेगी तो। वैसे तो वो अपने टारगेट को हिट कर जाएगी, लेकिन बाई चांस आपका जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है या किसी कंडीशन में आप टारगेट तक नहीं पहुँच पा रही है, उस कंडीशन में जो आपका एंगल ऑफ फॉल होगा वो होगा एस टी क्यू। यहाँ से आप उसका एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो तीन आपके एंगल्स हैं यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी ये जो आपका ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका एलिवेशन होता है, प्रोजेक्शन होता है, इंसिडेंस होता है, फॉल होता है, हाइट होती है, वर्टेक्स हाइट होती है, तो इनको डिटरमाइन करने के लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में जब हम हर एक पॉइंट का एक फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है एंड ये सारे के सारे जो एंगल हैं ये बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप मैंने आपको समझाने में सफल हो गई हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। सो इफ़ वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस कम्प्लीटली, वी मे हैव सम क्वालिटेटिव आइडिया अबाउट द ट्रेजेक्ट्री। सच ट्रेजेक्ट्री इज नोन एज वैक्यूम ट्रेजेक्ट्री। सो ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, इसमें क्या है, ट्रेजेक्ट्री तो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री ही होती है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, जो आपका एयर रेजिस्टेंस लगता है, जो मेजर फैक्टर होता है एयर रेजिस्टेंस, अगर उस एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें, उस एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें, तो उस कंडीशन में जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसको हम बोलेंगे वैक्यूम ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। सो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी ट्रेजेक्ट्री होती है, इसकी हेल्प से, इसका यूज़ करते हुए हम काफ़ी सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं, पहले होता है आपका रेंज, सेकेंड है आपका रिमेनिंग वेलोसिटी, थर्ड है आपका वर्टेक्स, जिसको कि हम हाईएस्ट पॉइंट भी कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट मान लीजिए ये आपकी ट्रेजेक्ट्री थी, यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है तो वो ये है, तो ये जो आपकी हाइट होती है इसको डिटरमाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप, किस एंगल से, एंगल ऑफ फॉल तो अभी हमने देखा था, वो हो गया एंगल ऑफ फॉल, एंड जो ड्रॉप होगा कितनी हाइट से ड्रॉप होगा, ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा स्ट्राइकिंग एंगल, मतलब जो आपका ये टारगेट है, मान लीजिए इस टारगेट पर कोई भी प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से हिट कर रहा है, 90 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 130 डिग्री है, तो जो भी डिग्री होती है, जो भी एंगल होता है, वो हम आपका देखा जाता है उसमें स्ट्राइकिंग एंगल में, ठीक है। सो इन सभी के फॉर्मूला होते हैं, तो वो सारे के सारे फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया है उस ग्राफ से ही आपको समझ में आएंगे। तो इस वजह से वो ग्राफ को ज़रूर से बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ट्रेजेक्ट्री वाला जो ग्राफ था उसकी हेल्प से डिटर्मिनेशन इन सभी चीज़ों का होता है, ठीक है। सो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका ट्रेजेक्ट्री का शेप होता है, तो वो कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली आपके दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर एंड एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर। तो अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या रहता है, आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी वेलोसिटी,
स्ट्रक्चर जो होता है आपका प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल का जो शेप होता है, जो आपके प्रोजेक्टाइल का मेटल होता है, वो सारे के सारे अपना एक इफेक्ट कॉज करते हैं, मेजर इफेक्ट कॉज करते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रोजेक्टाइल का स्पिन होता है एंड एंगल ऑफ फायर, किस एंगल से फायरिंग करी जा रही है, तो ये सारे के सारे आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही अपना एक इफेक्ट कॉज करते हैं ट्रेजेक्ट्री जो होती है उसके शेप को आपका नॉर्मल से डेविएट करने के लिए। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होता है एयर रेजिस्टेंस, विंड डिफ्लेक्शन एंड ग्रेविटेशनल पुल। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एंड शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर अपना एक मेजर इफेक्ट कॉज करते हैं। इन सभी में अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कॉज करता है वो होता है आपका वेलोसिटी। जो आपका वेलोसिटी होता है वो आपके ट्रेजेक्ट्री के शेप पर बहुत ही एक मेजर इफेक्ट कॉज करता है। सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भी है, द ग्रेटर द वेलोसिटी फ्लैटर इज इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स सेम। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना फ्लैट उस ट्रेजेक्ट्री का कर्व होगा, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस लाइन को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी उतना ही फ्लैट उस ट्रेजेक्ट्री का कर्व होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इसको हम इस चीज़ से समझें कि मान लीजिए ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपने कुछ इस एंगल से फायरिंग करी हुई है एंड वेलोसिटी अगर हम इसको समझें, वेलोसिटी अगर हम मान लें कि 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फायरिंग करी जा रही है, उस कंडीशन में आपकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह से होगी। 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फायरिंग करी जा रही है तो इसका जो आपकी प्रोजेक्टाइल का पाथ हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। एंड अगर हम बात करें यहीं पर कि 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपकी प्रोजेक्टाइल को फायरिंग करी जा रही है तो उस कंडीशन में जो आपकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी वो समवॉट फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। तो इस तरह से रहता है कि आपका प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा कर्व ट्रेजेक्ट्री नहीं बनती है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना फ्लैट कर्व बनता है, जितनी वेलोसिटी आपके प्रोजेक्टाइल की कम होती है उतना ज़्यादा कर्व्ड आपका ट्रेजेक्ट्री का आपका जो पाथ होता है वो बनता है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, मैंने सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर जो आपका फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, क्या उसके बेनिफिशियल आपके फैक्ट्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा होता है विंड की वजह से वो आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये बहुत ही आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बुलेट को टारगेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जब विंड की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा होता है, जो डेविएशन हो रहा होता है वो अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ऑब्वियस है वो अपने टारगेट तक बहुत ही सही तरह से अपने टारगेट तक पहुंचेगी एंड टारगेट को वो हिट करेगी, ठीक है। सेकेंड जो रहता है आपका इफेक्टिव शूटिंग रेंज increases and errors due to estimation of distance reduced। यहाँ पर क्या रहता है, जो आपका इफेक्टिव शूटिंग रेंज होती है कि मतलब जो इफेक्टिव शूटिंग रेंज क्या रहती है, आपने फायरिंग करी, फायरिंग करने के बाद में वो कौन सी रेंज होती है जहाँ तक आपकी जो बुलेट होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना इफेक्ट कॉज कर सकती है, तो ये होता है आपका इफेक्टिव शूटिंग रेंज। तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री की वजह से जो आपका इफेक्टिव शूटिंग रेंज होती है ये भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो डिस्टेंस को काउंट करने में, डिस्टेंस को मेज़र करने में जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करने में नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, ट्रेजेक्ट्री आपकी इस तरह से रहती है। तो इसमें डिस्टेंस को काउंट करने में, डिस्टेंस को मेज़र करने में कुछ आपके एरर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रही थी तो उस कंडीशन में जो आपके ट्रेजेक्ट्री का पाथ होता है वो समवॉट फ्लैट हो जाता है। तो इससे क्या रहता है, जो आप डिस्टेंस का मेज़रमेंट करते हैं, डिस्टेंस का जो एस्टिमेशन करते हैं वो
आपका लगभग आपका बहुत ही एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो जो एरर रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इस वजह से फ्लैट ट्रेजेक्ट्री भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ फायर आर्म्स बिकम्स लेस बॉदरसम ड्यू टू रिडक्शन इन टाइम द इजेक्टर रिमेन्स इन द बैरल। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी फायर आर्म में वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जब आप फायरिंग करते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारा इजेक्टा होता है जो कि धीरे धीरे करके निकल रहा होता है, तो अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जो इजेक्टा रहता है प्रोजेक्टाइल के साथ साथ जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही स्पीडली आपके फायर आर्म से बाहर निकल जाते हैं, तो उस वजह से जो आपके टाइम का रिडक्शन होता है वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर है, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ कार्ट्रिज बिकम्स इनसिग्निफिकेंट एट हाई वेलोसिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लैट ट्रेजेक्ट्रीज। सो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्ट्रिज का इंडिविजुअल वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है बहुत हाई वेलोसिटी पर, जिसकी वजह से जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो फ्लैट जितनी हमको रिक्वायर्ड होती है वो हमको मिल जाती है, ठीक है। सो ये सारे के सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपके फ्लैट ट्रेजेक्ट्री किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो इसको बताते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो अगर आप अपने मास्टर्स या बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आप लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड, एंड ट्रेजेक्ट्री वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद में और जो बहुत सारे जो फॉर्मूला बेस्ड आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका जो एलिवेशन था, फॉल था, ड्रॉप था, रेंज था, तो उनके फॉर्मूला हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे के सारे जितने भी होते हैं उनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, साथ ही साथ जो आपका उसका फॉर्मूला होता है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन जो मैंने ग्राफ बताया था इसको बहुत अच्छे से अपना समझ लीजिएगा, क्योंकि इस ग्राफ का यूज़ करते हुए ही हम बाकी सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनके फॉर्मूला को देखेंगे, एंड ये ग्राफ मैं बार बार आपके सामने डिस्प्ले नहीं करूँगी, आज मैंने दिखा दिया है। इसको चाहिए तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो जब भी मैं आप उसको बताऊंगी बाकी सारे फॉर्मूले को तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड इसके अलावा जो इसकी कंपाइल्ड PDF होगी वो मैं आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी जैसे ही आपका बैलिस्टिक्स वाला पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एंड अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल दोनों का ही। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी और भी PDFs अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर ज़रूर से कर देंगे, एंड अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे, एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड Thank you so much for watching me here.